एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं ज्वार का ढोकला ज्वार के आटे से। सबसे पहले मैंने एक बाउल में आधा कप सूजी ली है। एक कप हम डालेंगे इसमें ये ज्वार का आटा, आधा कप डालेंगे इसमें दही और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक और प्लस मैंने ना थोड़ा सा अदरक बहुत ही बारीक उससे ग्रेट कर लिया है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं अदरक का और स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बैटर बनाएंगे। मैंने एक कप पानी लिया है, पहले मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल लेती हूँ और इसको मिक्स करती हूँ, क्योंकि हमें ना इसको फिर 15-20 मिनट के लिए रखना है, बाद में इसमें हम सब्जियां डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका हम एक घोल बना लेंगे। देखिए, एक कप पानी डालने के बाद ना ये कुछ इस तरह का हो गया है, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी उसके बाद। दिख रहा है आपको अच्छे से? हाँ जी, 15 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। इसके अंदर हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे, कैमरा हिल गया था थोड़ा। ये 2-3 टेबलस्पून, हम 3 टेबलस्पून के करीब गाजर डाल देंगे, कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, ठीक है। इसको 15-20 मिनट रखना जरूर है, आपने ये जरूर ध्यान रखना है ना। अब इसको एक बार मिक्स करेंगे, थोड़ा इसमें थोड़ा थिक है, एक कप पानी हमने पहले डाला है और अब मैं इसमें 1/4 कप पानी और डालने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालिए, क्योंकि जैसे आप ढोकला बनाते हैं वैसा ही बैटर होना चाहिए, कुछ इस तरह से ही हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर इनो। उससे पहले हमने अपना पैन जो है स्टीम करने के लिए रख दिया है। हरी मिर्च ऑप्शनल है, हरी मिर्च भी डाल देते हैं हम थोड़ी सी। और ये देखिए, इस तरह का ये बैटर बन जाए, है ना। इस तरह से मिक्स करेंगे और अब हम क्या करेंगे इसमें लास्ट में, जब हमारा स्टीमर तैयार हो तब हम इसमें 1 टीस्पून इनो डालेंगे। लेवल में करके 1 टीस्पून इनो डाल देंगे और इसको ना एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, बहुत ही थोड़ा सा, और इसको एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे। इससे पहले ना हमें अपनी जिस डिश में, थाली में, जिसमें भी हमें ये बनाना है उसको हमें रेडी रखना है ऑयल लगा के, क्योंकि इसके बाद हम ज्यादा देर नहीं इसको रखेंगे, ठीक है। ये इस तरह से हमारा बैटर तैयार है और पहले से हमने ऑयल लगा के ये ट्रे को रखा हुआ है। इसमें हम ये बैटर को डाल देंगे। ये देखिए, जब बैटर इस तरह से डल जाए तो हम उसमें पहले डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च ऊपर से, इस तरह से, और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, ऐसे डेकोरेशन के लिए, है ना, और ज्यादा देर हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। और फटाफट ये डिश को रखेंगे हम पैन में। देखिए, पास से आपको मैं दिखाऊं, आज मेरा कैमरा ना बहुत कुछ गड़बड़ हो रखा है, ये देखिए, है ना, दिख रहा है अब क्लियर। ये देखिए, पानी बॉईल हो रहा है, उसके ऊपर हमने एक जाली रख दी और अब हम रख देंगे इसको, कवर कर देंगे और ये ना 15-17 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है सिकने के लिए। ये देखिए, हमने इसको चेक कर लिया है चाकू से, एक बार और मैं आपके सामने चेक करके बताती हूँ। और 8 मिनट्स इसको रखे हुए हो गया है, ये देखिए, बहुत ही कम इस तरह से लगा है और बिल्कुल तैयार है। ठंडा होने के बाद बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। ये देखिए, ठंडा होने की इंतजार करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, बढ़िया एकदम। और मैं आपको बताऊं,
ये हमने इसमें ना जाली रखी थी, पानी है तो थोड़ा ही पानी इसमें देखिए बचा है, गर्म है अभी। और अगर ढोकला कच्चा रह जाए ना और आपको दोबारा से पकाना हो तो ये जो ग्लास लिड है ना इसके ऊपर पूरा पानी आ जाता है, तो आप अगर दोबारा पकाएं तो ये ग्लास लिड हटाएं, उस पे से वो पानी पहुंचे और फिर दोबारा से रख दें ढोकले को, तो ये फिर खराब नहीं होगा, नहीं तो वो पानी गिर के ना ऊपर से सौगी हो जाएगा। ये जो तेल है ना वो गर्म हो गया है, इसमें हमने डाल दिया है राई तड़कने के लिए, हरी मिर्ची 2 स्लिट करके, कुछ करी लीव और कटा हुआ हरा धनिया। जब भी आप छौंक लगाएं ना ये बहुत ध्यान से लगाएं, मैंने गैस को बंद कर दिया था, आप भी गैस बंद कर दें। हल्का गर्म है अभी भी, थोड़ा ठंडा होने के बाद आप कट लगाएं और आप देखिए साइड से भी ना अच्छे से ये छूट रहा है, दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए। तो आराम से इसमें लगाते हैं कट, और देखिए हमने कट लगा लिए हैं क्योंकि गर्म है ना, तो कहीं कहीं से फिर ये थोड़ा सा ऐसे हो गया। बिल्कुल ठंडा करके, ये आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल ठंडा करके करें। मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ी सी जल्दी है, इसलिए मैंने गर्म में कट लगा दिया, बट आप कोशिश कीजिए बिल्कुल ठंडा करके। और ये देखिए हेल्दी बनेगा, बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, 2 ही चम्मच हमने ऑयल लिया है, और बस इस तरह से हम इसको पूरा गार्निश कर देंगे। बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही हम इसको निकालेंगे ढोकले को, और आप ट्राई करके ज़रूर देखिए, तभी पता चलेगा कि आपकी रेसिपी कैसी बन रही है। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है। आप ये नहीं कि बिल्कुल बेसन के ढोकले जैसा लगेगा, हेल्दी बनाया है, ज्वार का बनाया है, थोड़ा टेस्ट डिफरेंट होगा, पर जरूर ट्राई कीजिएगा। ठंडा होने के बाद इसकी करेंगे प्लेटिंग, फिर आपके सामने निकाल के इसको दिखाएंगे। और यहां मैंने ना जितने पीसेस कट करना उसका पहले सारे में कट लगा लिया है, तभी ये अंदर तक जाएगा इसका जो छौंक है। ये थोड़ा ठंडा हो गया है, मैं निकालने की कोशिश कर रही थी, और ढोकला जो है बहुत अच्छे से निकल रहा है। ये देखिए भाई, हेल्दी बनाना है ना तो जरूर बनाइए इस ढोकले को, क्या जालीदार ढोकला बना है देखिए, है ना बढ़िया। तो हम ये सारे पीसेस ना ऐसे निकाल के रख लेंगे, साइड के पीसेस आप बाद में खा सकते हैं, डेकोरेट करने के लिए आप इस तरह से ये थोड़ा नीचे तक आप ऐसे देख कर रख लें, कट लगा लें और पीसेस इस तरह से निकाल लें, बहुत ही बढ़िया है। ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, देखिए है ना बढ़िया मजेदार। ये देखिए हमारा ये यमी सा ढोकला बनकर तैयार है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना अच्छा और स्पॉन्जी बना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।